फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब फ्रेंड्स जो इतने सब्सक्राइबर वगैरह सब भाई लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है बेसिकली, इस टॉपिक के लिए मुझे बहुत से भाइयों ने कमेंट किया कि भाई आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, क्योंकि फ्रेंड जो न्यू शौकीन हज़रात होते हैं फ्रेंड, वो इस टॉपिक पर बिल्कुल उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। इन पर बहुत से जब सेटअप स्टार्ट करते हैं तो इसमें बहुत सी बातों का वो उनको मदद नहीं रखते, जिससे उनको आगे जाकर उनको मुसीबतों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो को इस तरह से मेरे टॉपिक को जिस तरह कहें, जैसा कि आप टाइटल देख के पता चल गया होगा, मुझे बहुत समझ में नहीं, ये कमेंट किया कि भाई हम कॉकटेल के लिए मटकी के इस्तेमाल करें या बॉक्स का। फ्रेंड्स मैं आपको सबसे ज़रूरी इसके पहले मैं आपको इस मटके का जो आपको मैं बता देता हूँ फ़ायदा और इस फ़ायदे और नुकसान आपको मैं दोनों बता देता हूँ और बॉक्स के भी। फ्रेंड्स आपने सबसे पहले अगर आपने कॉकटेल वगैरह ले आए अपने घर, तो आपने फ्रेंड इस तरह का मटका ले आना है, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतने उससे आपके बर्ड्स को जितने जो बर्ड्स के बोरे चिक्स फेरे होंगे वो इसमें मरने का ख़तरा नहीं होता, और जो इसके लिए इसमें जो बर्ड्स होते हैं वो अच्छी तरह से ब्रीडिंग वगैरह कर लेते हैं। इसके बनस्पत अगर बॉक्स में फ्रेंड ऐसा होता है कि आपके जो चिक्स होते हैं वो आपके जो चिक्स होते हैं फ्रेंड वो स्प्लिट लेग हो जाते हैं इसके, क्योंकि ये इस तरह की होती है, ऊपर जो उसके बच्चे होते हैं उनके पाँव वगैरह ख़राब हो जाते हैं। इसके बनस्बत मटके में फ्रेंड मटका गोल होता है इससे, और उठकर इससे मतलब कि जिस तरह ये ऊपर के स्लेप होती है इस तरह के उसके बच्चे यहाँ पर इसमें अच्छी तरह रहते हैं। इसके बनस्बत अगर फिर इसमें बॉक्स में बच्चे के जो पाँव वगैरह ख़राब होते हैं, फिर होता भी है ठंड है, अगर सर्दियों में भी इंशाल्लाह जो है गर्म हो रहता है अगर आपके कॉलोनी का टेम्परेचर अच्छा रहे तो। फ्रेंड्स ये आप बता इस तरह का मटका ले आने, उसके बाद आपने फ्रेंड यहाँ से इधर से इसका होल वगैरह कर लेने ताकि आपके बर्ड्स को अंदर आने जाने में आसानी हो सके। तो फ्रेंड्स कॉकटेल इस देखा जाए तो ब्रीडिंग करते हैं लेकिन मटके में ज़्यादा अच्छी करते हैं, मैं आपको ज़्यादा मटका प्रेफर करूँगा। हम अपनी कॉलोनी में दोनों चीज़ें लगाएंगे जिससे हमारे बर्ड्स जिसमें चाहे वो ब्रीडिंग कर लें, लेकिन ज़्यादा फ्रेंड्स देखने रिजल्ट अच्छा है मटके का है, मटके में बहुत अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। मैं आप सब भाइयों को यही प्रेफर करूँगा कि आप मटका लगाएं, मटके में बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेंगे आपके बर्ड्स, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने का मिलेगा। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर वगैरह हैं, जितने मेरे भाई हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने मटका लगाए हुए हैं फ्रेंड, मटके में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। इसके बनस्पत अगर बॉक्स देखा जाए बर्ड्स बॉक्स में ब्रीडिंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन बॉक्स में फ्रेंड्स आपको एक और बात अच्छा चलूँ, क्योंकि इसमें बॉक्स मटके में जो है आप अपने चिक्स को देख सकते हैं, निकाल वगैरह नहीं सकते, निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसके बनस्पत अगर इसको देखा जाए, ये लव बर्ड के लिए मैंने लगाया हुआ था, इस अंदर घास वगैरह पड़े हुए ये देख सकते हैं आप, इसमें आप अपने चिक्स को बासानी देख सकते हैं अंदर वो क्या है, फीडिंग वगैरह उनके कॉकटेल वगैरह करवा सकते हैं या नहीं, इसके लिए मुकम्मल एक रास्ता बना हुआ होता है। इस बनस्पत यहाँ से अगर आप अपने बर्ड्स को देखने में थोड़ा मसला हो सकता है जब ये लग जाएगा तो इसका एक ये फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप सब बन जितने मेरे फ्रेंड वगैरह हो, मैं आपको यही को रिकमेंड करूँगा कि आप इस मटके का इस्तेमाल करें, मटके में आपके पास बहुत अच्छी ब्रीडिंग आएगी। अगर आप करना चाहें तो बॉक्स का भी कर सकते हैं, क्योंकि बॉक्स में ही ब्रीडिंग वगैरह करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बॉक्स में नहीं करें, बॉक्स में ब्रीडिंग करते हैं, अच्छी ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट आपको मटकी में देखने का मिलेगा वो आपको बॉक्स में देखने का नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड ये थी वीडियो, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, तब तक के मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।